तो इस वीडियो पर मैंने शुरू कर दिया है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में पहले ही बता दे रहा कि अभी तक आपने जितने भी पढ़े होंगे, कोई भी किसी भी ब्रांच से होंगे, तो वो सब बिल्कुल भी नहीं आने वाला। हाँ, आप अपने दैनिक जीवन में जितना वर्ड उपयोग किए होंगे उससे रिलेटेड कुछ आ सकता है, लेकिन आप पढ़े नहीं होंगे। तो मैं आज मैनेजमेंट कॉमन का सिलेबस बता दे रहा कि क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट में ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, प्रोसेस इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री, ग्लोबलाइजेशन, इंट्रोडक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन इंडिया में, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR। सेकेंड यूनिट में मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में जानेंगे, व्हाट इज मैनेजमेंट, इवोल्यूशन, वेरियस डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय FW टेलर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फाइल का इस पर इंक्लूड होगा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। थर्ड यूनिट में आकर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल, प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंटेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल, फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट सेक्टर। नेक्स्ट यूनिट 4, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, फंक्शंस, स्टाफिंग, इंट्रोडक्शन टू HR प्लानिंग, रिक्वायरमेंट प्रोसीडर, रिक्वायरमेंट वाइज जॉब जब मिलता है तो उसको रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस रहता है वो रिक्वायरमेंट प्रोसीडर, पर्सनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, इंडक्शन, स्किल एनहेंसमेंट, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, सेफ्टी मैनेजमेंट, काउज ऑफ एक्सीडेंट, सेफ्टी प्रिकॉशंस, इंट्रोडक्शन टू फैक्ट्री एक्ट, ESI एक्ट, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। नेक्स्ट यूनिट 5, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस, कैपिटल जनरेशन एंड मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ कैपिटल्स, सोर्स ऑफ राइजिंग कैपिटल, बजट एंड अकाउंट, टाइप ऑफ बजट्स, प्रोडक्शन बजट इंक्लूडिंग वेरियंस रिपोर्ट, लेबर बजट, इंट्रोडक्शन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, कॉन्सेप्ट्स, बैलेंस शीट, इंट्रोडक्शन टू एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट यूनिट में है मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, नॉन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा बट पढ़ना होगा तो मैं बता दूंगा, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, ABC एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, इंट्रोडक्शन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, परचेज प्रोसीडर जिसके अंदर पढ़ना है ऑब्जेक्ट ऑफ परचेजिंग, फंक्शन ऑफ परचेज डेप्थ, पार्टमेंट डेप्थ, स्टेप्स इन परचेजिंग, उसके बाद है मॉडर्न टेक्निक ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट जिसके अंदर पढ़ना है इंट्रोडक्टरी ट्रीटमेंट टू JIT, SAP, ERP, और लास्ट यूनिट में है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नॉन न्यूमेरिकल, सिलेबस में ही कह दिया न्यूमेरिकल नहीं है, तो उसमें है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसके अंदर पढ़ना है इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, इंट्रोडक्शन टू CPM एंड PERT टेक्निक, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, क्वालिटी मैनेजमेंट जिसके अंदर पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी इंश्योरेंस, और इंट्रोडक्शन टू TQM, काइजन 5S एंड 6 सिग्मा। यहाँ पर आपका होता है इतना ही सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन जब पढ़ने लगोगे तो लगेगा कुछ बड़ा है, लेकिन ओके है, आप समझ जाओगे आसानी से, एग्ज़ाम में भी पास हो जाओगे पढ़ के। तो पूरा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो, मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो यहाँ पे, या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।